हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ग्रुप के दो दिग्गज शेयर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर के बारे में। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में यहां पे अच्छा खासा करेक्शन और गिरावट देखने को मिली, तो फाइनली एक अच्छे लेवल में आने के बाद आज के दिन अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिला। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बजाज फिनसर्व के लेवल की, तो यहाँ पे किस तरीके के लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टारगेट्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए, कौन सा लेवल जो होगा जिसके नीचे और ज्यादा बिकवाली आ सकती है या जिसके ऊपर अच्छी खासी खरीदारी आ सकती है। आज के दिन बजाज फिनसर्व एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस रहा, निफ्टी का टॉप गेनर था, 6.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया 5783 के लेवल पे। कल की जो क्लोजिंग थी 5425 के आसपास, ओपनिंग जो हुई थी 5500 के आसपास आज, और आज का लो बना था 5430 का, और अगर इंट्राडे हाई की बात करते हैं तो 5906 रुपये का आज इसने हाई लगाया, और ऊपरी लेवल से अगर हम बात करें तो 100-125 रुपये का करेक्शन डेफिनेटली देखने को मिला। फिर भी 6.5% से ज़्यादा का उछाल यहाँ देखने को मिला। वॉल्यूम अच्छे खासे थे, तकरीबन 9,78,000 शेयरों के और तकरीबन 556 करोड़ रुपये के शेयरों का वॉल्यूम देखने को मिला। इंडस्ट्री पी यहाँ ऑलमोस्ट 130 के आसपास चलता हुआ दिखाई दिया, वहीं सेक्टोरियल पी है मात्र 22 का, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से 10,000 रुपये तक के यहाँ पे 52 वीक हाई लगते हुए दिखाई दिए थे 9,950 के, उसके मुकाबले अभी भी अच्छे खासे चीप डिस्काउंट पे स्टॉक अभी मिलता हुआ दिख रहा है। लगभग 40% से ज़्यादा के डिस्काउंट पे स्टॉक अभी ट्रेड करा ऊपरी लेवल से। 52 वीक लो जो लो लगा था वो था लगभग 3,985 का, तो निचले लेवल से अगर बात करते तो 50% अप है ये स्टॉक अभी। और दोस्तों यहाँ पे इस ग्रुप के स्टॉक पे एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेडर्स का रहता है, और ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक्स में ये स्टॉक गिने जाते हैं, जहाँ पे ट्रेडर्स चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रहे और खासकर वो अच्छा खासा काम करना चाहते हैं। परसेंटेज वाइज अगर डिलीवरी पोजीशन की हम बात करते हैं तो 9,78,000 शेयरों के वॉल्यूम में मात्र 1,61,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, 16% की डिलीवरी जो है यहाँ पे आज के दिन क्लॉक होती हुई दिखाई दी। तो कोई उतना इंकरेजमेंट वाला नंबर नहीं है कि लगभग 40-50% शेयर की डिलीवरी उठाई गई, तो तेजी पे भरोसा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर अगर हम बात करें चार्ट पे जाके किस तरीके के लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने फाइनली यहाँ पे 5,785-5,800 रुपए के जो नेकलाइन लेवल थे उसको यहाँ पे जिस दिन परसों नरसों के लेवल पे तोड़ा था, उसके बाद एक तेज गिरावट देखने को मिली थी और कल जो क्लोजिंग थी 5,425 के आसपास आती हुई दिखाई दी थी, और आज पहला बाउंस आता हुआ दिखा है रिकवरी में, तो आज की जो क्लोजिंग है उसी नेकलाइन लेवल के आसपास कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दी है। तो ये एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देता है, जब भी कोई लेवल जो होता है जो अगर टूट जाता है तो फिर वो सबसे पहला रेजिस्टेंस का काम करता है, तो आज उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाके स्टॉक ने क्लोजिंग देने की कोशिश की। अब देखना ये होगा कि सोमवार के दिन क्या ये लेवल को पार करता है या नहीं करता। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो यहाँ पे आपको दो बड़े रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेंगे, पहला लेवल जो कि स्विंग हाई है लगभग 6,175 के आसपास का, और दूसरा जो बड़ा लेवल है जो कि इसका अभी तक का हाई है स्विंग हाई का लगभग 6,700 तक का। तो ये दो बड़े रेजिस्टेंस लेवल का पार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर ये लेवल पार होगा तब आपको एक नई तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ से भी हम बात करते हैं 6,100 तक की 5,700 से, तो यहाँ से भी 4 से 5% की तेजी यहाँ से आराम से होती हुई दिख सकती है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा खतरनाक लेवल होगा या जिसके नीचे गिरावट और गहरा सकती है वो होगा अब कल का लो, यानी कि 5,425, और मोटा मोटी अगर 5,400 का लेवल जिसको अगर हम लोएस्ट लेवल के हिसाब से मान लें, तो अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे निकल जाता है तो फिर आपको ये स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से 5,000 के लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसका कहीं ना कहीं नेक्स्ट सपोर्ट रेंज बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये 5,000 जो कि इसने लगभग स्विंग लो में लगाए थे तकरीबन जून के महीनों में, तो वो लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर ये लेवल 5,000 के आसपास के आते हैं तो ये एक बेस्ट बाइंग लेवल हो सकते हैं, जहाँ पर आप इस स्टॉक में एक एंट्री ले सकते हैं, और अगर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल की बात करें तो 6,200 से 6,800 के आसपास के जो लेवल है, अगर इस कहीं
नहीं रेंज में आता है, तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, करें ना करना है ना करें, लेकिन डेफिनेटली अपना जो स्टॉप लॉस है उसको डेफिनेटली ऊपर करते जाएं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने से ज़्यादा अच्छा होगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, ताकि आप एक एक लेवल ऊपर पहुँचते जाएं। जैसे आपका स्टॉक अगर 300 रुपये पर चला जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को 200 से 250 रुपये ऊपर खींच लें, ताकि आपका जो सेफ्टी लेवल है वो आपके हाथ में रहे। क्योंकि ये स्टॉक जिस तरीके से भागता है, तो दोस्तों यहाँ 500-1000 पॉइंट अगर इसको भागना है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई एक अच्छा खासा न्यूज आ गया तो दोस्तों ये स्टॉक 500-1000 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको डिसाइड खुद को करना है कि क्या यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या इस स्टॉक की राइड खेलना चाहते हैं आप आगे के लिए। और जिस तरीके से स्टॉक में RSI के लेवल की अगर हम बात करें, तो पिछले कुछ दिनों में एक्सट्रीम ओवरसोल्ड रीजन के आसपास कहीं ना कहीं पहुंच गया था। कल के दिन ये स्टॉक 22 के RSI लेवल पे था, तो यहाँ से एक बाउंस डेफिनेटली आता हुआ आज के दिन दिखाई दिया है। दिन भी सही था और सब कुछ सही था, लेकिन अगर MACD के लेवल पे बात करते हैं तो अभी भी MACD लाइन जो है सिग्नल लाइन के नीचे है, तो पहले आप इसके घूमने का इंतजार कीजिए, इसको पॉजिटिव क्रॉस ओवर होने का। अगर ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो जाता है तो डेफिनेटली फिर आपको एक अच्छी खासी तेजी जो है यहाँ से और बनती हुई दिखाई दे सकती है। अभी जब तक यहाँ से ये रिवर्सल नहीं लेता तब तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो सकता है, यहाँ से फिर से करेक्शन देखने को मिल जाए आपको, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा 5400 का, जिसके नीचे आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे दिग्गज स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। 3132 रुपये पे क्लोजिंग देखने को मिली, 3.5% का उछाल बजाज फिनसर्व के मुकाबले आज थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखने को मिला। ओपनिंग जो हुई थी 3080 में, क्लोजिंग थी कल की 3029 के आसपास, हाई बना 3167 का और लो बना 3028 का, जहां पे आज इसकी लगभग कल की क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम तगड़े होते हुए दिखाई देते हैं, लगभग 62,32,000 शेयरों का तगड़ा वॉल्यूम, 1934 करोड़ के शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। पी रेशियो जो है लगभग 40 के आसपास का, सेक्टोरियल पी है इसका 22.69 का, तो अपने सेक्टोरियल पी से अपने आप में देखा जाए तो महंगा है। और अगर 52 वीक हाई की अगर हम बात करते हैं, तो 4923 का 52 वीक हाई था और लो लगा था 1783 रुपये का, तो निचले लेवल से ये स्टॉक लगभग लगभग डबल होता हुआ दिखाई दिया था रिसेंट के कुछ के दिनों में। 1800 के लेवल से 3600 रुपये तक स्टॉक के प्राइस निकलते हुए दिखाई देते, तो अच्छा खासा रिटर्न जो था अगर आपने मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो आपके अच्छे खासे पैसे बनते हुए दिखाई देते होंगे। लेकिन अगर हम बात करें सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन की, किस तरीके की यहाँ डिलीवरी उठाई गई है, ठीक उसी तरीके से जैसा कि बजाज फिनसर्व में था, मात्र 9,12,000 शेयरों की डिलीवरी यहाँ पर उठती हुई दिखाई दी। 14% का डिलीवरी परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, तो कोई उतना खास नहीं है, लेकिन अगर हम क्वांटिटी वाइज अगर हम बात करते तो एक अच्छी खासी पोजीशन कही जा सकती है। 9,12,000 शेयर छोटे नहीं होते, 3,000 का प्राइस है और 9,12,000 शेयरों की अगर डिलीवरी उठाई जा रही है तो कहीं ना कहीं 300 करोड़ रुपये के शेयरों की तो डिलीवरी उठाई गई। तो दोस्तों नंबर के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज कही जा सकती है। परसेंटेज वाइज अगर आपको कहेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली उतना ज़्यादा इंकरेजमेंट वाला नहीं होगा। लेकिन अगर चार्ट पे बात करते हैं इस लेवल की, तो आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में अच्छी खासी जो निचले लेवल से डबल होता हुआ दिखाई दिया था स्टॉक, 3600-3700 तक के लेवल इसमें जो थे अगस्त के महीने में देखने को मिले थे टॉप लेवल पे। पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन कल के दिन एक तेज गिरावट जो इस स्टॉक में देखने को मिली थी, तो कल इसने भी एक नेकलाइन जो थी वो लगभग लगभग 3100 रुपये के आसपास की तोड़ी थी, 3100-3120 के आसपास की। तो उस लेवल के नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखाई दिया, और बजाज फिनसर्व की तरह ठीक उसी तरह आज ये स्टॉक भी उसी रेजिस्टेंस लेवल पे जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया था। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही स्टॉक लगभग सेम टू सेम पैटर्न पे चलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि अगर आपने एक स्टॉक फॉलो किया तो डेफिनेटली दूसरा स्टॉक भी लगभग उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो टारगेट और लेवल्स है, तो लेवल सबसे नीचे के जो लेवल है वो ये है कि लगभग 3000 का लेवल मोटा मोटी आप समझ के चलिए जो कल का लो था, उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आपको ये स्टॉक फिर से लगभग 2800 के लेवल तक देखने को तो कम से कम मिल सकता है, क्योंकि गिरावट जो होगी कम से कम वहां तक तो आएगी। और अगर वो लेवल टूटता है तो फिर जो गिरावट होगी वो हो सकता है शायद 2300-2400 तक हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम केस होगा। दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा बेयरिश साउंड मैं नहीं करूँगा,
क्योंकि इतना नीचे आने की उम्मीद मैं नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पे जो गिरावट होनी थी मार्च महीने में हो गई। अब यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन अगर 2800 के आसपास ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा करेक्शन जो है ऊपरी लेवल से हो भी जाएगा और यहाँ पे फिर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। लेकिन अगर हम अपर साइड की बात करते हैं तो लगभग 3600 से 3700 रुपए के वो लेवल्स जो हैं तकरीबन जहां पे आपके टारगेट हो सकते हैं या जहां पे स्टॉक जाने की कोशिश करेगा अगर यहां से बाउंस बैक अच्छा खासा होता है रिवर्सल। एमएसडी में अगर हम बात करते हैं, आरएसआई पे बात करते हैं, तो आरएसआई कल यहां पे भी लगभग 30 के आसपास पहुंच गया था ओवरसोल्ड रीजन के आसपास और वहां से आज यहां पे अच्छा खासा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। एमएससीडी पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न चल रहा है। अभी एमएससीडी पे किसी भी तरीके के कोई पैटर्न देखने को नहीं मिले पॉजिटिव, चाहे वो निफ्टी हो, बजाज फाइनेंस हो, फिनसर्व हो या कोई भी स्टॉक, सारे स्टॉक अभी ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। और जब तक एमएससीडी में कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं देखने को मिलता तब तक आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आएगा बाइंग का। अगर एमएससीडी पे कंफर्मेशन आ जाता है पॉजिटिव साइड का, क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर होता है, जब भी आपके कोई भी मूविंग एवरेजेस की लाइन 5 दिन की 20 दिन की एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करती है पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में, उससे पहले एमएसडी एक इंडिकेटर होता है जो कि आपको बता देता है कि क्या ये होने वाला है या नहीं होने वाला। तो दोस्तों अगर एमएसडी बताता है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा समय पहले पता चल सकता है डेफिनेटली कि यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा तो ये स्टॉक यहाँ से मोमेंटम ले सकता है। तो उसके बाद आप अगर पोजिशन लेते हैं यहाँ पे स्टॉक में तो डेफिनेटली फिर आपको एक अच्छे खासे मूव जो ट्रेडिंग मूव कहे जाते हैं उसे आप ले सकते हैं, वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉक अच्छा खासा वोलेटाइल है तो आपको यहाँ पे अपनी पोजिशन का ध्यान देना होगा कि ये वोलेटाइलिटी आप अगर सह सकते हैं, पोजिशन की क्वांटिटी सह सकते हैं तो आप यहाँ पे पोजिशन बनाएं या फिर उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करें जिसको आप संभाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेसिव मूव यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत ही बड़ी टिक साइज होती है और खासकर यहाँ पे जो मूवमेंट होती है स्टॉक्स पे बहुत जबरदस्त होती है। 100 रुपये 150 रुपये के मूव जो है इसमें दिन के कॉमन है। अगर आप 100 रुपये 150 रुपये के मूव दिन के प्लस माइनस में सह सकते हैं तो डेफिनेटली फिर आप यहाँ पे पोजिशन बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।